ऑल राइट, सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज अभिरूप, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ऐसे सीनेरियो बहुत कम ऑकर करते हैं रेस्क्यू कॉल पे। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। बाय द वे, पीछे का जो साउंड है इसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि गरबा चालू है ब्रो। तो तिकडे गेला अभिरूप, आराम से जा रूप। हमें काय आहे उसको वहां से जाके सपोर्ट दे देना। अरे अरे काका आला, आला आला, घेतला त्याने हातात। रसल स्वाइपर, रसल स्वाइपर, बोनस बोनस। ऑलराइट गाइस, सो ये रसल स्वाइपर, और बहुत लोगों को लगता है कि ये पाइथन है। ये बहुत सिमिलर दिखता है पाइथन से। इसका साइंटिफिक नेम है दाबू या रसली। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नैक फाउंड ऑल ओवर इंडिया। और सबसे ज़्यादा स्नैक बाइट के डेथ के जो केसेस है वो ये स्नैक की वजह से होते हैं। मैं ये वीडियो बस इसके लिए बना रहा हूँ, उसको हैंडल इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपके पास ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा, उन लोग को ऐसा लगता है कि ये पाइथन है और फिर वो पाइथन समझ के स्नैक को अप्रोच करने जाते हैं और फिर उनको बाइट हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना सिंपल है। इसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप में है। इसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप में है। और इसकी बॉडी देखोगे आप तो बहुत मोटी है। क्या इसका जो बॉडी है उसके ऊपर गोल गोल डॉट्स है। रुद्राक्ष का माला कैसे रहता है वैसे गोल गोल डॉट्स है। और ऊपर के जो डॉट्स है, मतलब जो स्पाइन के डॉट्स है, वो जॉइंट है। और साइड वाले डॉट्स है वो सेपरेटेड है। हेड ट्रायंगुलर, बड़ी बॉडी और टेल शॉर्टर देन हिज बॉडी, ये रसल वाइपर का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, पहले हम इसको रिलीज़ कर देते हैं और फिर आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेनमस स्नेक है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी। तो चलो इसको रिलीज़ कर देते हैं। राइट सो तो ये था रसल स्वाइपर, वो बहुत बड़ा था और जैसा कि हम लोग ने देखा कि वो एक वेल के अंदर गिर गया था, तो उसके ऊपर से एक स्किन का लेयर आ रहा था। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मॉल्टेन स्किन, हम जो मैमल्स होते हैं, जो इंसान भी हो गए, वो कैसे पसीना स्वेट करते हैं, ठीक है, मतलब पसीना निकलता है बॉडी से भी स्वेट, ठीक है, तो वैसे स्नेक स्वेट नहीं करते, वो अपनी जो गंदगी है, जो बॉडी की इम्प्योरिटीज़ है, वो मॉल्टेन स्किन से निकालते हैं। तो स्किन की पतली लेयर रहती है जो थोड़े थोड़े इंटरवल्स ऑफ टाइम में आती रहती है और वो उनको शेड करते रहते हैं। तो अभी वो वही स्टेज में थी इसलिए थोड़ी सी ब्लैकिश लग रही थी। और राइट, रसल स्वाइपर बहुत ज़्यादा वेनमस होते हैं, उनके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम रहता है, ठीक है। तो मेरी बस यही अपील है कि अगर कोई ये स्नेक देखेगा तो उसको जल्दी से जाके अप्रोच ना करिए। ये था रसल स्वाइपर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।